और मेरे YouTube चैनल माउंटेन वुड्स में। सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस यार, अभी मैं जा रहा हूँ स्पेन पे, बिकॉज अभी क्या कि पापा का मुझे कॉल आया हुआ था और उन्होंने मुझे बोला कि अभी स्पेन पे आओ, सामान आया हुआ है। तो वो सामान मैंने लाना है अभी घर, और भाई ने भी मुझे अभी बोला कि यार सामान आया तो घर सामान लाने जाना है, तो चल मेरे साथ। सो अभी इससे पहले मैं सोया हुआ था, जस्ट अभी उठा, जैसे ही पापा कॉल आया तभी उठा। अभी मेरी हालत देखी कैसी है, मैं अभी सो के उठा हूँ जस्ट। अभी टाइम अगर मैं बता दूँ आपको तो यार 3:36 हो गए हैं अभी दिन को। आज काम तो था नहीं, कुछ काम क्यों नहीं था, काम इस वजह से नहीं था यार आज, क्योंकि पूरे दिन भर बारिश लगी हुई थी और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और इस वजह से आज काम तो था नहीं, और दिन भर आज पूरा रेस्ट किया सोए। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ बारिश लगी है और दिखाता हूँ आपको, और आज मौसम कैसा है। मौसम आज बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुहाना है, और बोलते एक सॉन्ग भी है, काफ़ी पुराना सॉन्ग है, आज मुझे वो याद आ रहा है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, और आज मौसम बेईमान है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो धुंध पड़ी हुई है पूरी तरह से, तो चलिए मैं तब भी आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। सो ये देख लीजिए गाइस यार, अभी पूरी धुंध पड़ी हुई है, पूरा का पूरा धुआं ही धुआं, कोहरा ही कोहरा यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा धुआं है यार। सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्पेन तक, और अभी मैं लेके आऊँगा स्पेन से सामान, तो चलते हैं हम स्पेन के पास। सो गाइस यार, अभी मैंने किल्टा उठा दिया है मैंने, बिकॉज वो जो खाद की बोरी है वो मैंने किल्टे में लानी है, और आज मैं आपको बताता हूँ, ये भी दिखाऊंगा कि हमारा सामान यहाँ तक कैसे पहुँचता है। क्योंकि ये रोनिक है, और रोनिक ने एक सामान तो ला लिया है, ये पंप है स्प्रे करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, लेके चलते हैं आपको अभी स्पेन की तरफ। अभी धुंध भी पड़ी हुई है, काफ़ी धुंध है यार, अभी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है व्यू। तो सो गाइस यार, अभी जो आप ये बैल देख रहे हैं, ये जिनके भी बैल है, गाय हैं, ये है बुआ जी, और ये कैमरे के सामने छुपते हैं, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, पता नहीं है, अपने आप को कैमरे के सामने नहीं ले आते हैं। सो फाइनली यार गाइस, अभी हम पहुंच गए स्पेन के पास, आप देख सकते हैं। सो अभी इसको डालना है किल्टे में, अभी ये देखिए भाई और करण है यहाँ पे, बस मान या फ्रॉड है। सो गाइस यार, अभी मैं स्पेन पे पहुंचा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो हमारा जितना भी सामान जो यहाँ पे आता है वो आता है सारा स्पेन में, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, और ये स्पेन है यहाँ पे, और जिसपे सामान डाला जाता है, देखिए इसके अंदर सामान डाला जाता है तब हमारा सामान आता है यार। काफ़ी दिक्कत रहती है, क्या रहता है कि ये जो स्पेन है ये नीचे रोड तक लगी हुई है, और फिर नीचे रोड में सामान लोड करना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे हमारा सामान यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे गोभी भी लाई हुई लोगों ने, और ये खाद, और ये भी खाद, और ये लोगों का सामान है, और मैंने अभी इस बोरी को उठाना है, खाद की बोरी को। तो चलिए चलते हैं अभी खाद। सो फाइनली यार, ये बोरी मैंने डाल दी है किल्टे में, अभी ये किल्टा उठाना है, सो उसके बाद लेके जाना है घर को। सो चलिए अभी इसको उठाते हैं। फाइनली मैंने किल्टा उठा दिया पीठ में, सो चलिए अभी चलते हैं घर की ओर। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से वापस घर। चलिए गाइस चलते हैं घर, मिलते हैं आपको अभी घर में। तब तक मैं अपना कैमरा बंद करके रखता हूँ, बिकॉज बारिश लगी हुई है तो बारिश में भीग जाएंगे। सो चलिए चलते हैं फटाफट घर की ओर। सो गाइस यार, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अभी घर पे, पीठ पे भोजा है। सो चलिए अब इसको मैंने रखना है ऊपर है, टाइम मिली तो गाश ना।
सो गाइस यार फाइनली हम पहुंच गए घर में और खाद भी ले आई है और बारिश से भीग भी गई है खाद काफ़ी ज़्यादा। से चलिए अभी आपको दिखाते हैं, देखिए बारिश लगी हुई है यार हल्की हल्की। सो अभी भी बारिश हो रही है और अभी मैं आपको व्यू अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज धुंध पड़ी हुई है। सो यार सच में ही मौसम आज बड़ा बेईमान है। सो जैसे कि आप सॉन्ग भी है वो सुना होगा आप सभी ने वो सॉन्ग, आज मौसम बड़ा बेईमान है और सच में ही आज मौसम बड़ा बेईमान है और सुबह से बेईमान होके ये लगा हुआ है, सुबह से बारिश कंटिन्यू हो रही है। सो सारे बंदे सो के थक गए, रेस्ट कर करके थक गए बारिश में। सो चलिए अभी जैसे ही धुंध हटती है फिर से आपको व्यू दिखाते हैं तो आप व्यू का मज़ा ले सकते हैं। सो गाइस अभी आप ये देख सकते हैं यार अभी आज पापा ने लाया है पंप लाया है स्प्रे करने के लिए बिकॉज यार फार्मर फैमिली से बिलोंग करते तो अभी स्प्रे करनी होती है, कभी बीन्स को स्प्रे करना होता है, कभी गोभी को स्प्रे करना होता है तो इसलिए ये लाया हुआ है पंप लेके। तो फाइनली गाइस यार खाद तो मैंने ला दी है घर में पहुँचा दी है। सो क्या किया गाइस काफ़ी दिक्कत रहती है ऐसे में, स्पेन में हमें सामान यहाँ पर लाना पड़ता है फिर स्पेन से यहाँ तक ढोना पड़ता है। सो अगर मैं आपको रास्ता बता, मेरे घर से स्पेन का रास्ता कितने मिनट का है, वो रास्ता है 4 से 5 मिनट का रास्ता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ रास्ता। सो गाइस जो रास्ता है वो यहाँ से जो आप सामने ये पोल दिख रहा है बिजली का, यहाँ से है नीचे करके थोड़ा सा नीचे दिख रहा है और यहाँ से सीधा नीचे आपको दिख रहा होगा लाल कलर की छत, जो दो घर है लाल कलर की छत इस इन दोनों घरों के बीच से है और नीचे जाके तो 4 से 5 मिनट का रास्ता है। जो स्पेन का रास्ता जो है मेरे घर से वो 4 से 5 मिनट का है। सो अभी मैं पहुंच गया हूं घर में। सो काफ़ी दिक्कत रहती है यार सर्वाइव करने में, स्पेन से सामान लाना होता है फिर ढोना होता है तो कई बार तो स्पेन ख़राब हो जाती तो सामान को नीचे ही रखना पड़ता है। सो चलो अब क्या करें, सर्वाइव तो करना पड़ेगा वैसे। सो गाइस अभी जो टाइम हो गया वो हो गया है यार मेरा चाय पीने का टाइम, ये देखिए सो चाय मेरी आ गई है, अभी मैं चाय पी रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ की अगर व्यू की बात करें यार क्या ही व्यू है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने गाँव का व्यू। ये देखिए ये मेरा प्यारा सा गांव है यार, छोटा सा बेशक बहुत प्यारा है और सामने का व्यू कुछ इस तरह से, मौसम कितना हसीन है यार, कितना सुंदर है, कितना प्यारा मौसम है। यहाँ देखिए पूरे दिन भर आज बारिश हुई है, अभी मौसम खुला है, अभी तो मौसम साफ है वैसे। यहाँ देखिए यार क्या ही नज़ारा है यार, कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं यार व्यू को, कितना प्यारा व्यू है यार। अक्सर क्या है कि इस जगह पे मैं बैठा करता हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है बैठने की, और इस पर क्या रहता है कि यहाँ पे मैं चाय पीने बैठता हूँ या फिर कभी दिन को रेस्ट करना हो तो यहीं पे सोता हूँ, यहीं पे बैठता हूँ बिकॉज ये जगह मुझे बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है, यहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए यार दोस्तों सामने कितने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, कितने हरे भरे पहाड़, और इस साइड को हरे भरे पहाड़ दिखेंगे आपको यहाँ पे, आप देख सकते हैं ग्रीनरी दिखेगी पूरी। और अगर मैं बात करूं यार गाइस इस साइड आपको बर्फीले पहाड़ दिखेंगे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखेंगे और कितने सुंदर लगते हैं ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, आप देख सकते हैं। और सामने यहाँ से देख सकते हैं आप परे, जरी बोलो, कसौल बोलो, रशौल बोलो, यहाँ से सब दिखता है, छलहाल भी यहाँ से दिखता है, काफ़ी अच्छी जगह है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जगह में बैठना काफ़ी। तो चलिए अभी हम इंजॉय करते हैं अपनी चाय को, टी को इंजॉय करते हैं यार अभी। पहाड़ियाँ हैं अभी मैं इनको देख रहा था, इन पहाड़ियों को आप देख सकते हैं उधर बर्फीली पहाड़ियाँ हैं और इतनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, मन कर रहा है कि यार इन्हीं पहाड़ियों में जाके बस जाएं और कभी वापिस ही ना आएं। ये देख लीजिए गाइस यार ये है व्यू, एक और फिर से आपको दिखा रहा हूँ। सो
क्या है कि यार गाइस मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे काम है थोड़ा सा, मुझे अभी खाना बनाना है, सो खाना बनाने मुझे जाना पड़ेगा। मम्मी बोल रहे कि खाना बना ले, सो अभी मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। सो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो ओके गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।